हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ पास स्टूडेंट के लिए बेस्ट स्कॉलरशिप, जिसका नाम है इंस्पायर स्कॉलरशिप, जिसके तहत आपको 4 लाख रुपए मिलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना, 80,000 रुपये प्रति ईयर की दर से आपको आगामी 5 साल तक मिलने वाली इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में। वीडियो इंपॉर्टेंट है, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप थंबनेल देख पा रहे होंगे, इंस्पायर स्कॉलरशिप 2022 ट्वेल्थ पास 4 लाख रुपए, ट्वेल्थ पास स्टूडेंट ध्यान दें, ऐसे मिलती है स्कॉलरशिप। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने 2022 में ट्वेल्थ पास किया है तो आप इस स्कॉलरशिप को आसानी से पा सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, जिसमें अगर आप साइंस स्ट्रीम में ट्वेल्थ पास किए हैं, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन हम स्टार्टिंग में ही दे रहे हैं, आप अपनी एलिजिबिलिटी आसानी से समझ पाएंगे कि वही स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं जो कि साइंस स्ट्रीम में ट्वेल्थ पास किए हैं और अपनी ग्रेजुएशन के पार्ट वन में एडमिशन ले चुके हैं या लेने वाले हैं। मतलब 2022 में आपने ट्वेल्थ किया हो, साइंस स्ट्रीम से आपने ट्वेल्थ किया हो, चाहे PCM या PCB से, और आप किसी कॉलेज में एडमिशन आपका हो गया हो या आप लेने वाले हैं, यानी 2022 में ही आपका एडमिशन हो जाना चाहिए, तो आप आसानी से इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, क्या सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन इसका क्राइटेरिया में केवल उन्हीं स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है जिनकी परसेंटेज उस बोर्ड द्वारा जारी की गई परसेंटेज के बराबर या ज़्यादा होता है। अब ये परसेंटेज कहाँ से उठाई जाती है और आपको कैसे पता चलेगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो स्टूडेंट नए हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या नए स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका बोर्ड, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड आपका जिससे आपने ट्वेल्थ किया हो, वो उस बोर्ड का टॉप 1%, यानी अगर आप उस बोर्ड के टॉप 1% में आते हैं तो आप आसानी से इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बोर्ड के टॉप 1% में आपकी परसेंटेज यानी आपका नाम है कि नहीं? तो फ्रेंड्स, हर एक बोर्ड अपना टॉप 1% अपनी वेबसाइट पर जारी करता है। बिहार बोर्ड अगर कह लेते हैं तो बिहार बोर्ड एक लिस्ट जारी करता है जो कि इंस्पायर स्कॉलरशिप में स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। अगर UP बोर्ड की बात करें तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी इलाहाबाद बोर्ड के द्वारा, प्रयागराज बोर्ड के द्वारा एक नोटिस जारी हो जाता है जिसमें कि विदित होता है, लिखा होता है कि इतनी परसेंटेज या इतनी परसेंटेज से ज़्यादा जिन स्टूडेंट के हैं वो आसानी से इंस्पायर स्कॉलरशिप में आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि आपका अपना चैनल पिछले 7-8 सालों से लगातार इंस्पायर स्कॉलरशिप को पूरा कवर करता आया है और मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है कि आखिर में कब आपका अपना बोर्ड आपका टॉप 1% क्लियर करता है। इससे पहले एक MHRD स्कॉलरशिप भी होती है जो कि ट्वेल्थ पास स्टूडेंट के लिए होती है, लेकिन उसमें परसेंटेज कम जाता है, उस पर वीडियो आ चुका है। अगर आपका परसेंटेज थोड़ा लो है, 70-72% के कम है, तो आप आसानी से उस स्कॉलरशिप में भर सकते हैं। कितनी परसेंटेज उठी है इसका सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। अब बात करते हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप की, तो यहाँ पर इसका भी आपका परसेंटेज आपके बोर्ड द्वारा कन्फर्म हो जाता है। पिछले सालों में कितना परसेंटेज गया, इसका लिंक आपको, प्रूफ लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया, आप आसानी से देख सकते हैं कि 2017, 18, 19, 20, 21 कितना परसेंटेज इसमें जाता है। आपका बोर्ड कन्फर्म करता है, यानी आपने समझ लिया कि आप अगर अपने बोर्ड के टॉप 1% में आते हैं तो आप आसानी से इस स्कॉलरशिप में आवेदन कर सकते हैं। ये मेरिट स्कॉलरशिप होती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप की पारिवारिक आय 10 लाख रुपए प्रति साल है या 10 लाख रुपए प्रति दिन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपके फादर्स की आय या आपके पारिवारिक आय 10 लाख से कम होनी चाहिए, 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। एक मेरिट स्कॉलरशिप है,
इसमें आपकी कितनी भी आय हो आप आसानी से इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने एलिजिबिलिटी के बारे में समझा कि ट्वेल्थ पास होना चाहिए और आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं यानी पार्ट वन में आपका एडमिशन होना चाहिए और आपके द्वारा बोर्ड के द्वारा तय की गई टॉप 1% के अंतर्गत आपका नाम होना चाहिए, तो आप आसानी से इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। अब सेकेंड बात आती है कि इसका ऑनलाइन फॉर्म कब आता है, कौन सी वेबसाइट से आता है और आपको कैसे पता चलेगा और फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका ऑनलाइन फॉर्म नवंबर के महीने में आता है। पिछले एक दो साल पहले कुछ कारणों की वजह से दिसंबर और जनवरी यानी आपको 60 दिनों का मोटे तौर पर समय दिया जाता है। अगर नवंबर में आएगा तो 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट होगी। किन्हीं कारणों से दिसंबर में आता है तो 28 या 27 जनवरी इसकी लास्ट डेट रखी जाती है। संभवतः ऐसा नहीं होता है कि 10 जनवरी तक इसकी डेट बढ़े, नवंबर में ही आसानी से 90% से ज़्यादा चांस होते हैं कि नवंबर में ही इसका फॉर्म आ जाता है और आता भी है। प्रूफ लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, आसानी से आप प्रूफ देख सकते हैं कि नवंबर में आता है कि नहीं आता है। नवंबर में आता है, दिसंबर लास्ट इसकी लास्ट डेट रखी जाती है यानी 60 दिनों का आपको समय दिया जाता है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, आपका परसेंटेज तो है, आपने एडमिशन भी ले लिया है, तो इसका एलिजिबिलिटी नोट भी आता है। काफ़ी सारे बोर्ड एलिजिबिलिटी नोट जारी करते हैं, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, वो एलिजिबिलिटी नोट जारी करता है कि आप इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। जैसे ही बोर्ड के द्वारा एलिजिबिलिटी नोट जारी किया जाएगा, आपके पास सबसे पहले वीडियो आ जाएगा, आप आसानी से वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं आपका एलिजिबिलिटी नोट। अदर स्टेट भी एलिजिबिलिटी नोट जारी करते हैं, काफ़ी सारे बोर्ड लिस्ट जारी कर देते हैं, क्योंकि इंस्पायर स्कॉलरशिप के फॉर्म में एलिजिबिलिटी नोट लगाना मैंडेटरी नहीं होता है, यानी आप लगाएं तो ठीक, ना लगाएं तो ठीक, मैंडेटरी अनिवार्य नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आपने समझ लिया कि नवंबर के महीने में इसका फॉर्म आता है। अब फॉर्म कैसे भरा जाता है और कहां से आता है, तो फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट के द्वारा ये फॉर्म निकाला जाता है। फॉर्म कैसे भरा जाता है उस पर विस्तृत वीडियो आ चुका है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप आसानी से क्लिक करके देख सकते हैं कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और कहां से वो डॉक्यूमेंट फिलअप करवाए जाते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। और जहां पर आप कमेंट करते हैं ना, कमेंट्स बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक दिया गया है, आप आसानी से क्लिक करके देख सकते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। एक बात यहाँ पर और आप विशेष ध्यान रखें कि जो स्कॉलरशिप होती है उसमें आपको टोटल 4 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। यहाँ पर अगर कोई ट्वेल्थ पास है साइंस स्ट्रीम में तो अगर वो बीए करने लगता है तो उसे ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, आपको बीएससी करना है से आप इस स्कॉलरशिप को पा सकते हैं। इसके बाद आपका ग्रेजुएशन स्तर पर यानी ग्रेजुएशन पार्ट वन में 80,000 रुपये मिलता है, ग्रेजुएशन पार्ट टू में 80,000 रुपये मिलता है, ग्रेजुएशन पार्ट थर्ड में 80,000 रुपये मिलता है। कभी बार क्या होता है कि 2 शिफ्टों का एक बार में रुपये आ जाता है और नेक्स्ट शिफ्ट में वो एड हो जाता है। एमएससी पार्ट वन में 80,000 रुपये मिलता है और एमएससी पार्ट टू में 80,000 रुपये मिलता है। यहाँ पर एक बात कन्फर्म और हम और कर देते हैं कि जो भी स्टूडेंट प्रोजेक्ट बनाते हैं उनका ही 80,000 रुपये पर ईयर की दर से स्कॉलरशिप आता है। जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं, अब प्रोजेक्ट क्या होता है उस पर वीडियो आ चुका है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया, आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है, अगर आप नहीं बनाते हैं तो आपका 60,000 रुपये पर ईयर की दर से स्कॉलरशिप आपका कंटिन्यू हो जाता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं, लेकिन हम आपको सजेशन देते हैं कि प्रोजेक्ट बनाइएगा, 2-3 हज़ार रुपये में प्रोजेक्ट आसानी से आपका बन जाता है और आपको 20,000 रुपये की अच्छी खासी रकम यहाँ पर DST द्वारा प्रोवाइड होती है। यानी आप विदाउट प्रोजेक्ट बनाते हैं, अपना कंटिन्यू करते हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप, तो आपको 60,000 रुपये पर दर की पर ईयर की स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है DST के द्वारा। अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं यानी विद प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको 80,000 रुपये पर ईयर की स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है। यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन और हैं कि आपको यहाँ पर लगभग 60% नंबर अचीव करने होते हैं, आसानी से स्टूडेंट के आ जाते हैं, अगर आप 60% अचीव नहीं करते हैं तो आपका इंस्पायर स्कॉलरशिप कंटिन्यू नहीं होती है। ये कुछ टर्म एंड साधारणतया टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर रखे गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं ऑनलाइन फॉर्म में। तो फ्रेंड्स, एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट होता है, अब परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या है, कहाँ से मिलेगा, तो फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस रिपोर्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है।
सबसे पहले एलिजिबिलिटी जब फॉर्म करते हैं, एलिजिबिलिटी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो एलिजिबिलिटी नोट भी लगता है फॉर्म अप्लाई करने में, परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपका बाद में लगता है जब आप पार्ट वन पास कर लेते हैं। फॉर्म भरने में एलिजिबिलिटी नोट लगता है, सॉरी यहाँ पर एंडोर्समेंट फॉर्म उसे कहते हैं। एंडोर्समेंट फॉर्म आप आसानी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। एंडोर्समेंट फॉर्म आपको कॉलेज से भरवाना होता है, उसके बाद में उसे सबमिट करना होता है, तभी आपका फॉर्म प्रोसीड होता है। तो फ्रेंड्स आपने ये जाना, ट्वेल्थ पास करने वाले स्टूडेंट के लिए एक बेहतरीन स्कॉलरशिप। हमें लगता है आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमारे यूट्यूब पर डले हुए हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दे रहे हैं, आप आसानी से जो भी डाउट है उस वीडियो को देखकर कंफर्म कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन तो आप हमें पर्सनली भी पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, आसानी से उस पर आप कॉन्टैक्ट करके हमें अपना क्वेश्चन पहुंचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि जानकारी के अभाव में ऐसी बेहतरीन स्कॉलरशिप को हाथ से न जाने दें। इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उनको भी ये पता चल सके कि ऐसी कोई स्कॉलरशिप होती है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जब इसका डेट निकल जाता है, कहीं धोखे से इस वीडियो पर क्लिक हो जाता है, तो उन्हें पता चलता है कि काश ये वीडियो हम पहले देख लेते होते तो हमें स्कॉलरशिप का लाभ मिल जाता। जानकारी के अभाव में आप इस योजना से वंचित ना रहें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस स्कॉलरशिप का लाभ मिल सके। अब बात करते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश का कटाव कितना जाएगा, तो उस पर एक विस्तृत वीडियो आने वाला है विथ प्रूफ के साथ, जिसमें कि आप 6-7 सालों का एक डाटा शेयर करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट सब यही होगा कि आखिर में यूपी बोर्ड का कितना परसेंटेज जाने वाला है, लेकिन कन्फर्म है कि जिनका 80% से प्लस है वही इस स्कॉलरशिप का लाभ लगभग ले सकते हैं। कन्फर्म जानकारी आपको एक विस्तृत वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी इस योजना का लाभ मिल सके, इस स्कॉलरशिप का लाभ वो आसानी से ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।